भजन और सभी भक्तों को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, मीठी मीठी ताली बजनी चाहिए। क्या लिखा? अरे अम्बापुर अवतार लियो बिहारा की लो निवासी जे बोलो आई मातरी सच नहीं होती। और अगले दिन जब भीखा जी सपने नींद जागे तो वह बात सत्य हो जावे। और आगे का लिखे,
भजन सभी ने सुना है कि नहीं सुना है, है? बहुत ही सुंदर भजन, प्रसिद्ध भजन है, लखन जी चौधरी ने लिखा है। क्या लिखा? अरे बिल्लाड़ा में लियो है निवास, जय बोलो। मैं बोलूंगी जय बोलो, आपको क्या बोलना है? आई मातरी, जय बोलो। आई मातरी, थे खरज में क्या प्रा, थोड़ा जोर बोलो, जय बोलो। भगता जे बोलो, अरे जे बोलो, ये बात जे बोलो, आई मातरी, अरे अपने अंदर लियो मां के योगे निवासे, जे बोलो आई मातरी। हेलो, भजन में क्या लिखा कि राम बिका जी ने सपनों आए और सपने में आई माता वाने आन कियो कि मैं आपने आपने घर में अवतार लेऊला और बागा में फूला रे मायने आपने मैं विराजित मिलूला। और सुबह जद बिका जी राम उठिया तो वह बात सत्य हो गई और जद वे बागा में गया तो आई माता फूला रे सेज माते छोटी सी बच्ची रे रूप में बालिका रे रूप में विराजित था। और कई बात बड़े अरे भीका जी जद गया बागे कनिया में भी बुलावे, जे बोलो आई मातरी। भीका जी जद गया बागे में कनिया में भी बुलावे, जे बोलो आई मातरी। अरे अम्मा कुली अंधार लियो सिंह जी दीवान साहब जो कि माँ की सेवा कर रहे हैं और माँ के बराबर आज माधव सिंह जी का रुतबा है। मुझे तो यही लगता है कि भगवान आई माता के दर्शन शायद बाद में करते होंगे लेकिन पहले माधव सिंह जी के दर्शन करना भक्तों को अच्छा लगता है और आज ऐसे भक्तों की कतार लगी है ना, ऐसा ही लग रहा मुझे। क्या लिखा? अरे माधव सिंह जी करे सेवा, लखन चौधरी